Hello everyone, good morning. Am I audible to you all? Hi Shweta, awaaz aa rahi hai meri? Shahzad bhai, awaaz aa rahi hai? Shaheen, awaaz aa rahi hai? शाहिन मैं आवाज आ रही है मेरी रुचि आवाज आ रही है मेरी सो वेल गाइस गुड मॉर्निंग टू एवरीवन या आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज लाइक एटिकेट्स ऑफ वर्कआउट सो एटिकेट्स का मतलब आप सभी को पता होगा रूल्स एंड रेगुलेशन एंड हिंदी में हम क्या कहें तो शिष्टाचार कोई भी चीज़ आप लाइफ में कीजिए उसके लिए डिसिप्लिन शिष्टाचार एथिकेट बहुत ज़रूरी है अगर वो आप एथिकेट्स नहीं फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो सक्सेस मिलने वाला है वो कम हो जाएगा ओके सो वॉट एवर वी नीड टू डू एट ऑप्टिमम लेवल हमें जो भी कुछ करना है वो ऑप्टिमम लेवल के लिए करना है ओके सो माई टॉपिक इज हियर इज ऑफ अबाउट एथिकेट्स ऑफ वर्कआउट एथिकेट्स का मतलब सबको पता है होता ये है कि हर किसी को जिम जाना है किसी को मोटा होना है किसी को पतला होना है किसी को फिटनेस करना है किसी को जुम्बा करना है किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है हर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ करना है करेक्ट अब ये करने के लिए वेरी गुड यू हैव अ इंस्पिरेशन यू हैव अ मोटिवेशन दैट्स गुड बट ये मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन के साथ आपको सही नॉलेज होना भी ज़रूरी है इफ़ यू डोंट हैव अ करेक्ट नॉलेज ना सो आपको पता है आप फिटनेस इंडस्ट्री में इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वर्कआउट अगर आपको नॉलेज नहीं होना तो आप सबसे बड़ी इंजरी के शिकार हो सकते हो एंड आई डोंट वांट दैट कि ये ग्रुप मेंबर में जितने लोग हैं ग्रुप में उन लोगों को कोई ना कोई इंजरी ना हो ओके सो स्टार्टिंग विद माई टॉपिक प्लीज़ हो सके तो इसके नोट्स लिख लीजिए और जितने अपने फ्रेंड्स लोगों से अगर आप शेयर करोगे आपके लिए अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन सिक्स पॉइंट्स जिसमें से चार जो ड्यूरिंग वर्कआउट होंगे और एक जो होगा वो स्टार्टिंग वर्कआउट एंड एंडिंग वर्कआउट ओके सो नाउ आई एम टेलिंग यू क्या क्या फॉलो करना है कैसे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब जिम जाते हो सो हम हर कोई जिम जाता है एंड वी हैव अ फ्लो ट्रेनर्स देयर करेक्ट रिस्पेक्ट देम ओके दे आर देयर गुरुज दे आर आर गुरुज देयर यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द फ्लो ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर हूएवर इज देयर ऑन द फ्लोर यू हैव टू रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर देयर टू हेल्प यू स्पॉट यू ओके सो नाउ जिम जाते हो आपके ख्याल आता है कि यार बॉस आज क्या करना है ठीक है शेड्यूलिंग नहीं होती हमारे पास सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब जिम जाते हो तो पहले आपको माइंड सेट रेडी करना है बॉस आज मुझे जाना है एंड आई हैव टू डू वर्कआउट लेट एनीथिंग कम इन बिटवीन आपको वर्कआउट के लिए जाना ही जाना है ये सबसे पहली चीज़ है आपको जाना ही है ये अगर आप नहीं सोच के रखोगे तो कुछ ना कुछ आपको चीज़ें आएंगी एंड वो चीज़ें आपको डीमोटिवेट करेंगी नहीं मैं शाम में कर लूँगा यार मैं कल कर लूँगा मैं परसों कर लूँगा जिम तो संडे भी ओपन होता है संडे भी कर लेंगे ओके ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं करना है सो कमिंग टू द टेक्निकल पॉइंट्स नाउ वेन एवर यू हिट द जिम आप कभी भी जिम में जाते हो सो फर्स्ट यू नीड टू डू वन थिंग आपको कभी भी अगर उस दिन आपका कार्डियो नहीं है तो वार्म अप सेशन के लिए आप कार्डियो नहीं करोगे ओके जो वार्म अप सेशन होता है वार्म अप सेशन इज फॉर वॉट वार्म अप सेशन इज फॉर एक्टिवेटिंग द फ्लूड इन योर बॉडी विच इज नोन एज साइनुवल फ्लूड साइनुवल फ्लूड ये एक फ्लूड होता है जो हमारे हर जॉइंट्स में होता है जो हमें मोबिलिटी के लिए काम में आता है लाइक मूवमेंट्स करने में काम में आता है व्हेन वी गो टू अ जिम हमारा बॉडी टेम्परेचर एक लेवल पे होता है जहाँ पे हमारी चीज़ें काम नहीं कर पाती उतने उसके लिए हमें उसे रेडी करना पड़ता है तो उस रेडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप व्हेन यू हिट द जिम अगर आपका जिम फर्स्ट फ्लोर पे है सो ट्राई टू क्लाइम द स्टेयरकेस ओके सेकेंड पे है थर्ड पे है फोर्थ पे है ट्राई लेकिन अगर सिक्स पे भाई गो बाय लिफ्ट ओके डोंट टेक द सिक्स नाउ कमिंग चेंज हो गए आप गए फ्लोर ट्रेनर पे एंड
फर्स्ट यू नीड टू डू दैट इज मोबिलिटी ड्रिल्स बिफोर स्टार्टिंग दी वर्कआउट. मोबिलिटी ड्रिल्स ये चीज़ें होती हैं जिसमें आपको आपके बॉडी को एक्टिवेट करना है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको उसको एक्टिवेट करना है. अब वो मोबिलिटी ड्रिल्स क्या होती है, आप अपने मेंटर्स को पूछ लिए, आप अपने ट्रेनर्स को पूछिए जो आपके फ्लोर में है, उन लोगों को आप बात कीजिए, उन लोगों को पूछिए कि भाई मोबिलिटी ड्रिल्स क्या होता है. सो मोबिलिटी ड्रिल्स मैं कुछ नाम लूँगा, जैसे आपका ट्रंक रोटेशन होता है, देन हमारे हाथों को लेफ्ट एंड राइट आपको उठाना है. जी आपने किया होगा पीटी में, स्कूल में हमने जब हमारी जो पीटी क्लासेस होती है तो हमें उसमें जंपिंग करना सिखाते थे, देन हमें उसमें गर्दन को घुमाना सिखाते थे, रिश को घुमाना सिखाते थे, पैरों को हाथ पैरों को आगे पीछे करना. सो ये एक एक्टिविटी करना है आपको, आपको आपकी नी को अपने अपने जितना नज़दीक खींच सकते हो उतना खींच के इमीडिएटली छोड़ना है, स्ट्रेच नहीं करना है. ओके ये करना है आपको. सेकेंडली व्हेन यू गो फॉर अ वर्कआउट, वर्कआउट में सबसे पहले याद रखना कोई भी वर्कआउट करते वक्त बीच में स्ट्रेचिंग नहीं करना, बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग मत करना. मैं और ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा बिकॉज ये बहुत बड़ा लाइव सेशन हो जाएगा. सो फर्स्ट ये पॉइंटर्स आप रखिए, डोंट स्ट्रेच बिटवीन योर सेट. ओके स्ट्रेचिंग हम बाद में बात करेंगे. अब कमिंग टू दी पॉइंटर्स, जो मैं आपको चार पॉइंटर्स, फर्स्ट पॉइंटर्स मैंने आपको मोबिलिटी ड्रिल्स बता दिया, अब मैं चार पॉइंटर्स ड्यूरिंग वर्कआउट के बताऊंगा जो आपको फॉलो करने. द फर्स्ट वन इज आपको बॉडी की टाइटनेस रखना है, इसको आप लिख सकते हो टाइटनेस. जैसे आपने कभी देखा होगा कोई खंबा अगर कहीं अकेला खड़ा हुआ है, उसको मतलब एक ग्राउंड अच्छे से ग्राउंड करके रखा है, कितनी भी तेज हवा आने दीजिए वो यहाँ वहाँ तस का मस नहीं होगा. जिस तरीके से हमारे जो जवान जो सावधान पोजीशन में खड़े होते हैं, हम स्कूल में खड़े होते हैं, आके हमें कोई अगर धक्का भी देता है तो हम अलर्ट रहते हैं. तो आपको इतनी टाइटनेस रखनी है बॉडी में कि आप अलर्ट रहो, एकदम टाइटनेस. ओके जितना आप टाइट रखोगे उतना आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होगा, आपका परफॉर्मेंस एनहांस होगा इससे. सेकेंड व्हेन यू टेक द वेट बारबेल या डंबल, जो भी आप चीज़ें लेते हो ना, आपको याद रखना जो सेकेंड पॉइंटर है वो है वेल्डिंग. व्हाट इज वेल्डिंग, वेल्डिंग आपके घर में कोई लोहे की सीढ़ी होगी या आपके घर में कोई वेल्डिंग, वो चीज़ होती है जो लोहे को लोहे से जोड़ती है. लोहे को लोहे के से जोड़ने से क्या होता है ना, आपको वो लाइक उसकी मजबूती का पता चलता है कितना मजबूत है. आपको अगर मैं कोई वेल्डेड चीज़ दे दूँ तो आप उसको तोड़ नहीं पाओगे. उसी तरीके से जब आप कोई भी डंबल को पकड़ते हो या कोई भी बारबेल को पकड़ते हो या कोई भी मशीन का यूज़ करते हो ना, रिमेंबर वन थिंग, आपकी ग्रिप इतनी टाइट होनी चाहिए कि ऐसे होना चाहिए कि वो वेल्डिंग हो गई है उसको. ओके कोई उसको छुड़ा नहीं सकता. सो फर्स्ट पॉइंट वॉज वॉट, टाइटनेस. सेकेंड वॉज वेल्डिंग. एंड थर्ड इज कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज वॉट, इट इज ऑफ अबाउट गेजिंग एंड अ फोकस. अब क्या होता है, काश लगे हैं हर जगह पे. ओके अब काश लगे हैं सब सही है, अब आपका पीछे से फ्रेंड आ गया अचानक से एंड एंड यू आर डूइंग अ स्क्वाट्स, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग अ स्क्वाट्स. अब आपने डंबल अपने टाइट पकड़ा है, आपने बॉडी एकदम टाइट रखी है, करेक्ट, एंड यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर सेट एंड आपने एक रेपिटेशन कंप्लीट किया, एक एसेंट्रिक और एक कॉन्सेंट्रिक कंप्लीट किया और आपका रेप कंप्लीट हुआ. एंड इन अ मोमेंट पीछे से आपका फ्रेंड आता है, फ्रेंड आता है या आपका क्रश आता है. सो प्लीज अपना फोकस मत हटाइएगा. अगर वो बंदा आता है, यू नो आपने सेंस भी कर लिया कि वो आ गया है, ये वो आ गई है, तो आपको अपना फोकस नहीं हटाना. आपका फोकस है उस टाइम के लिए उस सेट को कंप्लीट करना, व्हाट एवर रेपिटेशन यू आर गोइंग टू डू उसको रेप को कंप्लीट करना. ओके सो आपको यहां वहां नहीं देना. अगर आपके फ्रेंड ने आपको आवाज भी दे दी, आपको उसकी तरफ नहीं, आपको कान को उसकी तरफ रखना है, लेकिन फोकस जो गेज होगा आपकी नजरें एक जगह पे होगी, आपको यहाँ वहाँ नहीं देखना है, आपको किसी का नहीं सोचना है. इफ़ योर ट्रेनर इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड ही इज टेलिंग यू, इज ही गिविंग एनी सजेशन टू यू, पहले उसको सुनो, उसको एब्जॉर्ब करो, डोंट रिएक्ट इमेजिएटली. अगर वो बोल रहा है कि रेंज ऑफ मोशन आपका इनकम्प्लीट हो रहा है तो आप पूरा कंप्लीट कीजिए, तो आप रेंज ऑफ मोशन की तरफ मत देखिए, आपका फोकस मत हटाइए, सिर्फ ब्रेन में चलने दीजिए, सेंस कीजिए कि मुझे ट्रेनर ने क्या बोला, उसी वक्त उसको आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, बट डोंट लुक हेयर एंड देयर. ओके जस्ट फोकस. एंड द फोर्थ थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सबसे पहले आनी चाहिए थी लेकिन मैंने इसको लास्ट में रखा है, इट इज़ अबाउट वल्सरवा मनोवा. नाम कुछ अलग ही है वल्सरवा मनोवा, बट ईजी पैटर्न में अगर मैं आपको समझाऊँ तो दिस इज नोन एज अ ब्रीदिंग पैटर्न. ब्रीदिंग पैटर्न
वर्कआउट के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। गाइस, मैं आपको एक इसमें डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, दोज हू आर हैविंग अ हर्निया प्रॉब्लम, अगर उनको हर्निया की हिस्ट्री है तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस, आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वल्सोवा मैनोवर के बारे में, प्लीज़ किसी को अगर हर्निया का प्रॉब्लम है डोंट ट्राई दिस, दिस इज़ फॉर अदर पीपल जिन लोगों को कोई भी हर्निया का प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग टू दी अगेन दैट्स वल्सोवा मैनोवर, ये चीज़ ये होती है कि इसको बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग पैटर्न इज लाइक, नाउ यू आर होल्डिंग इट, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने बाइसेप डंबल के लिए, बाइसेप प्रकाया मसल्स के लिए आपने डंबल्स हाथ में लिए, करेक्ट, एंड आपको अभी पता है कि इस तरीके से करने से आपका मसल बनेगा और इससे छोड़ोगे तो दिस इज कॉन्सेंट्रिक एंड एसेंट्रिक, तो आपको फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करना है। नाउ जब आप सेट शुरू करते हो, फॉर एग्जाम्पल जब आपने डंबल को हाथ में लिया, आपको क्या करना है, आपको ब्रीदिंग करना है, ओके आपको क्या करना है, एक्सहेल करना है और आपको ब्रीद इन करना है और ब्रीथ को होल्ड करना है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दी रेप, एंड जब आपने रेप कंप्लीट किया वापस नीचे गया जहां से आपको शुरू करना है, जहां से शुरू करना है, मैं फिर से कह रहा हूं, जहां से शुरू करते हो आप वहां पे आपको ब्रीद, पहले एक्सहेल करना है, ब्रीद इन करना है, फिर होल्ड करना है, देन अगेन यू हैव टू कंप्लीट दी सेट, ओके। इसका अगर डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन है, इट्स अ पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग वेयर यू हैव टू होल्ड दी ब्रेथ बिटवीन दी रेप्स एंड यू हैव टू एक्सहेल फ्रॉम माउथ एंड यू हैव टू इनहेल फ्रॉम नोज, ओके। इसका फायदा क्या है, मैंने तो बता दिया, इसका फायदा यह है, सबसे पहला आपके सबके पास कार होगी, करेक्ट, कितनी भी अच्छी कार हो, फोर्ड हो, मर्सिडीज हो, डस्टर हो, वॉट एवर कार यू हैव, चार पहिए वाली चीज होती है कार। अब आपको पता है आपको कहीं स्मूथ राइड पे जाना है, अगर आपके एक भी टायर में हवा कम होगी क्या वो गाड़ी आपको स्मूथ ड्राइव देगी, ऑब्वियसली नहीं देगी, उसके लिए हम लोगों को इक्वल प्रेशर रखना पड़ता है। उसी तरीके से इफ यू सी आर बॉडी, हमारा जो लोअर एब्डोमिनल है, द लोअर एब्डोमिनल इज व्हाट, इट्स अ हॉलो मसल, इट्स अ हॉलो मसल, उसमें एक गुब्बारे जैसा है, अगर आप उसमें जितनी अच्छी तरीके से हवा भरोगे, जितने अच्छे से इनहेल करोगे एंड यू विल कीप इट इंटैक्ट, और आप सेट जब करोगे तो आप वेट को अच्छे तरीके से आप पुश कर सकते हो, ओके। एंड उस तरीके से जैसे कार में अगर आपके गाड़ी में लोड ज़्यादा है और हवा एक साइड में कम है, आपकी गाड़ी नहीं देगी सही तरीके से, आपको इफेक्ट नहीं देगी और एवरेज भी कम देगी। उसी तरीके से हमारी बॉडी की जो एफिशिएंसी है वो कब बढ़ेगी, जब आप कोई भी सेट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ये रेपिटेशन जो मैंने वल्सोवा मैनोवर बताया, यू हैव टू कम्प्लीट दिस, प्लीज़ टेक गाइडेंस फ्रॉम योर कोच, व्हाट हूएवर इज योर ट्रेनर और आपके फ्लोर ट्रेनर है। गाइज, वाइल यू डूइंग दिस प्लीज़ मेक श्योर पहले आपके साथ कोई ना कोई हो, इफ़ यू डोंट हैव दिस नॉलेज प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ रीड इट अबाउट इट। सेकेंडली मेक श्योर वल्सोवा मैनोवर उन लोगों के लिए नहीं है जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है, ओके, डोंट ट्राई दिस इफ़ यू हैव अ हर्निया प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द थिंग्स, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जो चार चीज़ें मैंने बताई आपको, सबसे पहले आपको मैंने बताया है टाइटनेस, सेकेंड इज वेल्डिंग, थर्ड इज गेज एंड फोर्थ इज वल्सोवा मैनोवर विच इज द ब्रीदिंग पैटर्न। गाइज, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ जिम, यू आर पेइंग द मनी, यू आर टेकिंग अ मेंबरशिप, सो इट्स योर राइट, यू नीड टू आस्क पीपल। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जिम में जाते हैं ना, व्हाट वी डू, वी आस्क ट्रेनर, सर ये कैसा करने का, सर हाउ टू डू दिस, सर हाउ टू लिफ्ट दिस, सर विच एक्सरसाइज शुड आई डू, ओके, यस यू आर आस्किंग देम, बट यू नीड टू आस्क व्हाई बिफोर हाउ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू आस्क व्हाई बिफोर हाउ। इफ यू डोंट आस्क दिस ट्रेनर कि ये व्हाई मतलब क्यों करूं मैं, व्हाई, एंड ट्रेनर ने अगर आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से ये क्यों करना है, देन आप पूरी शिद्दत से उस एक्सरसाइज को करोगे और उसको कंप्लीट करोगे। इट शुड बी ऑलवेज व्हाई बिफोर हाउ, डोंट कम टू दी कंक्लूजन सीधा कैसे करना है, पहले उसको समझो, एब्जॉर्ब करो एंड देन डू इट, ओके। नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी ऑलवेज डू इन बिटवीन ऑफ सेट एंड वी थिंक इट इज नॉट एसेंशियल, गाइस
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज इज जो हम लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, हम लोग घाई घाई में निकल जाते हैं वर्कआउट करने के बाद. वी हैव कोई मॉर्निंग में जाता है, कोई इवनिंग में आ रहा है, घर पे कोई रुका है, मुझे ऑफिस जाना है. यस, एवरीबडी हैज देयर प्रायोरिटीज, बट बॉडी के लिए भी आपको अगर एक्सरसाइज करना है तो आपको एटिकेट फॉलो अप करना पड़ेगा. द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, यू नो वॉट, द स्ट्रेचिंग पार्ट. स्ट्रेचिंग इज वॉट, स्ट्रेचिंग क्या होता है ना, आप जितना भी वर्कआउट करते हो ना, उसके बाद आपका मसल का वेयर एंड टेयर होता है, देयर इज सम स्टिफनेस इन इट. तो स्टिफनेस को फिर से नॉर्मल पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको स्ट्रेचिंग करना पड़ता है. याद रखिएगा, स्ट्रेचिंग हमेशा खुद होके कीजिएगा, किसी और को मत कीजिएगा. वी कंसीडर स्ट्रेचिंग एज ए एक्सरसाइज, डोंट कंसीडर इट एज ए एक्सरसाइज. इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड इट इज एसेंशियल. अगर कोई रेपिटेशन आप, अगर आज आपका स्क्वाट्स का वर्कआउट है, तो डोंट थिंक कि आपको आज स्ट्रेचिंग नहीं करना. इट्स अ पार्ट ऑफ एनी वर्कआउट, आपके चेस्ट वर्कआउट है, आपका विच एवर वर्कआउट इज देयर, आप उस वर्कआउट में आपको स्ट्रेचिंग उसका लास्ट पार्ट है. एंड यू हैव टू डू इट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्कआउट, नॉट एंड द वर्कआउट, टूवर्ड्स द एंड. आपका वर्कआउट, अभी आपने कास रेजेस किए एंड नाउ यू थिंक योर वर्कआउट इज गोइंग टू बी ओवर, देन योर स्ट्रेचिंग पार्ट स्टार्ट. ओके, देर आर मेनी स्ट्रेचेज जो आप इन बिटवीन ऑफ वर्कआउट कर सकते हो, बट लेकिन वो बहुत ही टेक्निकल है, आई विल नॉट गो फॉर. बट यस, वर्कआउट कर रहे हो, जैसे आप अगर बैक कर रहे हो, लैट पुल डाउन कर रहे हो, लैट पुल डाउन में जाके बीच बीच में हम लोग कहीं लटक जाते हैं, मत करिएगा. इससे हमारी मसल्स ऑटोजेनिक इनहिबिशन में जाती है, जिससे हमारी मसल को एक सेंस जाता है कि बॉस नाउ ही दिस पर्सन इज गेटिंग रिलैक्स, सो नाउ नो नीड टू, या नो नीड टू पुट दी प्रेशर. ओके, सो ऑटोजेनिक इनहिबिशन में नहीं जाना है हमें. हमें क्या करना है, वर्कआउट में जाते हैं, हमें मसल, एक ही हमारा टारगेट होता है, दैट इज वी नीड टू ब्रेक डाउन मसल. ओके, अगर आप उसको बीच में स्ट्रेच करोगे, सो वो जो एनहांसमेंट आएगा वो एनहांसमेंट नहीं होगा. ओके, सेकेंडली, नाउ कमिंग टू दी थिंग्स अगेन, जो चीजें मैंने आपको बताई है, या आप अपने दोस्तों यारों से भी डिस्कस करना. एंड प्लीज डू नॉट थिंक दिस एज अ लाइक गाइडलाइंस विच इज प्रूवन फॉर एवरीवन. बस लेकिन जो हमें सिखाया गया, जो हमने किया, एंड विच आई एम इम्प्लीमेंटिंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑन माई क्लाइंट्स एंड मेंटीज, उन लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो प्लीज़ आप भी ये ट्राई कीजिए, आपको भी अच्छे रिजल्ट आएंगे. अगर कुछ लगता है आपको कि नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आया, यू कैन कमेंट इन बिलो एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट. एंड सेकेंडली बॉस, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर, सो विश यू वेरी हैप्पी प्रॉस्परस न्यू ईयर इन एडवांस. एंड डेफिनेटली जो लोगों ने सोचा है कि मैं न्यू ईयर के बाद फिटनेस जर्नी शुरू करूँगा, वो जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे. आई एम वेरी ब्लंट इन सेइंग दिस, स्टार्ट फ्रॉम नाउ. अगर अभी होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. इफ़ यू थिंक कि मैं फर्स्ट जनवरी से शुरू करूँगा, डेफिनेटली आप जिंदगी भर नहीं कर पाओगे. जब हो, जो भी होगा अभी से होगा. ओके गाइज, होप दिस जो भी टिप्स मैंने आपको दिया, इट इज़ वेरी यूजफुल टिप्स फॉर यू. मेरे लिए तो काफ़ी है, आप लोगों के लिए भी होगा. And please don't forget to understand and ask why before how. So guys, आप लोगों से अभी परमिशन चाहता हूँ कि मैं भी ऑफलाइन जाऊँ. सो होप ये आपके काफ़ी अच्छा सेशन था, और मेरे लिए भी अच्छा सेशन था, बिकॉज देर आर ह्यूज पब्लिक वॉचिंग दिस. एंड प्लीज शेयर दिस विद योर पीपल, योर कलीग, योर फ्रेंड्स, एवरी वन. एंड कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ get in touch with us. We are there to help you. Our website is www.fitara.in. Take care. Have a great Sunday. See you soon with the next topic. Take care. Bye. Khuda hafiz.